गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ स्टूडेंट्स. टुडे वी विल बी स्टडिंग अवर इंग्लिश रीडर बुक. अवर टॉपिक इज चैप्टर सेकंड, माय बैंक अकाउंट. यस, बैंक अकाउंट मींस बैंक में खाता खुलवाना. ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी बैंक अकाउंट के ऊपर घूमती है, जिसमें राइटर हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताता है जो हमारे निजी जीवन में और अक्सर मजाक का विषय बनती हैं. विदाउट ह्यूमर, बिना हंसी मजाक के, लाइफ वुड बी ए लॉन्ग ड्राइव. हमारा जीवन एक लंबी अंतहीन यात्रा जैसा ही लगता है. ह्यूमर इज़ अ स्पाइस ऑफ लाइफ. मजाक ही हमारे जीवन का मसाला होता है. रीड दिस हिलेरियस अकाउंट ऑफ द राइटर्स एक्सपीरियंस. राइटर के अनुभव को, के इस विचित्र वर्णन को पढ़िए. व्हेन ही वेंट टू अ बैंक टू ओपन एन अकाउंट. जब वो बैंक में गया था अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उस समय क्या क्या हुआ, उस समय क्या क्या घटित हुआ, वो अपनी पूरी स्टोरीज में बता रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. इट स्कार्स मी टू गो टू ए बैंक. मुझे हमेशा बैंक जाना बहुत घबराहट भरा लगता था. एलमोस्ट एवरीबॉडी एंड एवरी थिंग आई एनकाउंटर दे फ्राइटन्स मी. हर कुछ चीज़ जो मैं वहाँ देखता था वो मुझे डर पैदा करती थी. एज फॉर द बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर को देख करके, द वेरी साइट ऑफ हिम, उसकी नज़र भर आने पर भी टेरिफाइज मी. मैं बहुत अधिक परेशान हो जाता था. एंड इनसाइड मी ड्राइव्स मी माइल्स अवे फ्रॉम द बैंक एज पॉसिबल. और मैं खुद को हमेशा बैंक से कई मीलों दूर रखने की कोशिश करता था. एज आई ओपन द डोर टू एंटर द बैंक. जब मैं बैंक के दरवाजे तक गया, उसको खोला, आई फील लाइक लॉसिंग माई हेड. तो मैं अपना पूरा ध्यान खोता प्रतीत हो रहा था. टू थिंक ऑफ डूइंग एनी बिजनेस देयर. मुझे वहाँ पर कोई व्यापार नहीं करना था. मेक मी फील लाइक एन इडियट. और मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर पहुँचने वाला मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ. दो आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रीज़न फॉर फीलिंग दिस वे. हालांकि मेरे पास कोई विशेष कारण नहीं था इस तरीके से सोचने का कि मैं मूर्ख हूँ. बट दैट्स हाउ इट हैज़ ऑलवेज बीन विद मी. लेकिन पता नहीं कैसे ये हमेशा ही मेरे साथ में ऐसा रहता था. एंड कंटिन्यूज टू रिमेन सो. मैं इसी बात को, इसी एहसास को हमेशा जीवित अपने महसूस करता था. वैन आई गॉट अ $50 हाइक इन माई सैलरी पैकेज. राइटर कहता है, जब उसकी सैलरी के पैकेज में, उसकी तनख्वाह में $50 का और बढ़ोतरी हुई, प्रमोशन हुई जब उसकी, तो आई न्यू, तो मैं जानता था व्हाट द नेक्स्ट थिंग आई हैड टू डू. मुझे अगला कदम क्या उठाना है. आई हैड टू कीप असाइड सम मनी एज सेविंग्स. मुझे अपना कुछ पैसा बचत के लिए भी रखना है. इट इज़ फॉर दिस पर्पज, इसीलिए, दैट आई हैड टू ओपन एन अकाउंट. मैं एक अकाउंट खोलना चाहता था बैंक में, विद अ बैंक. नो मैटर हाउ अनविलिंग आई फेल्ट टू सेट माई फुट इन द प्लेस. हालांकि इसमें कोई आश्रय नहीं था, कोई दोराय नहीं था कि मैं बिल्कुल भी उस स्थान पर अपना पैर नहीं रखना चाहता था. सो वन डे, इसलिए एक दिन, आई गैदर्ड ऑल माई करेज. मैंने अपने सारे साहस को इकट्ठा किया. टू सेट आउट फॉर द बैंक नियरेस्ट टू माई हाउस. और मेरे घर के पास वाले बैंक में मैं चला गया. टिमिडली, डरते डरते, आई स्टेप्ड इनसाइड. मैं अंदर गया. एंड विद अ ग्रेट एफर्ट, बहुत ही बड़े प्रयास के साथ में, आई लिफ्टेड माई हेड टू लुक अराउंड मी. मैंने अपना सिर ऊपर उठाया देखने के लिए. द साइट ऑफ द क्लर्क्स फिल्ड मी विद फियर. वहाँ पर बैठे हुए जो क्लर्क्स थे, उनकी उस दृश्य को देख करके फिल्ड मी विद फियर. मैं डर से भर गया. बट आई ब्रेवली वॉक्ड अप टू विंडो. लेकिन तभी मैं एक विंडो के पास गया जिसका पे लिखा हुआ था अकाउंट्स. द अकाउंटेंट स्टूड देयर. वहाँ पर जो अकाउंटेंट बैठा हुआ था, लाइक ए फिगर ऑफ स्टोन, वो पत्थर की मूर्ति जैसा जान पड़ रहा था. वेटिंग फॉर मी टू स्पीक, जो मेरे बोलने का इंतजार कर रहा था. माई टंग रिफ्यूज टू मूव. मेरी जीभ ने बोलने से मना कर दिया था. बट आई सैलोड हार्ड. लेकिन फिर भी मैंने मुश्किल से अपना थूक निकला. एंड एट लास्ट, अंत में, आई वॉज एबल टू आस्क इन ए वॉइस. मैं एक आवाज़ निकाल पाया. डैट साउंडेड स्ट्रेंज टू माई ईयर्स, जो मेरी कानों के लिए भी बहुत ही विचित्र थी. वो बात थी, कैन आई सी द मैनेजर प्लीज़. क्या मैं कृपया मैनेजर से मिल सकता हूँ. लेखक ने बोला, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ. टू दिस रिक्वेस्ट, इस प्रार्थना पर, आई एडेड, मैंने फिर से बोला, बट आई डोंट नो भाई. लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैंने ऐसा क्यों बोला. अलोन, अलोन मतलब अकेले. राइटर मैनेजर से अकेले ही मिलना चाहता था. आई आस्क्ड फॉर द मैनेजर बिकॉज आई थॉट दैट एवरी वन हैड टू स्पीक टू द मैनेजर बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट विद ए बैंक. मैं मैनेजर से मिलना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैनेजर ही वो व्यक्ति होता है जिसे हर किसी को मिलना होता है बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले. सर्टेनली, सेड द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट ने कहा, निश्चित रूप से आपको मिलवाएंगे. अनलेस ही इज एंगेज्ड,
शायद वो बिजी होंगे, आई विल गो टू सी, मुझे जाकर देखना होगा। ही वेंट अवे, वो चल दिया, लीविंग मी स्टैंडिंग देयर अलोन, मुझे वहाँ पर अकेला खड़ा हुआ छोड़ करके। एवरीबॉडी सीम टू मी स्टैंडिंग एट मी, हर कोई मुझे वहाँ पर घूरे जा रहा था, मतलब बिना पलक चुपकाए मुझे देखे जा रहा था। एंड आई फेल्ट, और मुझे महसूस हो रहा था मोस्ट अनकम्फर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। फॉर्चुनेटली, तो सौभाग्यवश द मैनेजर वॉज फ्री एट दैट टाइम, मैनेजर उस समय बहुत ही फ्री था। एंड द अकाउंटेंट टुक मी टू हिम, अकाउंटेंट मुझे अपने साथ में वहाँ पर ले गया। आई लुक्ड एट द मैनेजर, मैं मैनेजर की तरफ देखा, हिज फेस वॉज काम एंड सीरियस, उसका चेहरा बिल्कुल शांत और गंभीर था। इट फ्राइटेंड मी, इसने मुझे डरा दिया। आई हैल्ड $56 टाइटली इन माई हैंड, मेरे हाथ में $56 के नोट और बहुत तेज़ी से कसकर दबे हुए थे, विच आई केप्ट ऑल द टाइम, जिन्हें मैंने हर समय पकड़े रखा था मेरे पजामे की पॉकेट के अंदर। आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं, मैंने उसे पूछा। इट वॉज ए फुलिस क्वेश्चन, ये बहुत ही मूर्तापूर्ण प्रश्न था क्योंकि मैं जानता था कि वही मैनेजर है। उसने बोला हाँ यस, कैन आई सी यू, क्या मैं आपको देख सकता हूँ, आई आस्क्ड, मैंने उसे बोला। एंड आई एडेड वंस मोर, फिर मैंने दोबारा से बोला, अलोन, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। द क्वेश्चन सीम्ड सिली विदाउट द लास्ट वर्ड, अलोन शब्द कहते ही मेरी सारी मूर्खताएं प्रकट हो गई। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है राइटर मैनेजर से अकेले में मिलकर के क्या कहेगा और मैनेजर उससे क्या बात करेगा, तो ये सारी कहानी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।